अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का व्लॉग शुरू करने जा रही हूँ मैं शॉपिंग से, जो कि मैंने क्रॉकरी की शॉपिंग की है फिर से। जी हाँ, अगेन मैंने क्रॉकरी शॉपिंग की है, और जो कि मैंने पिछली बार आपसे शेयर किया था डिनर सेट में लेकर आई थी हाफ, एक्चुअली मैं वो प्लेट्स वगैरह ही थी, तो उसके साथ मैं डिशेस वगैरह ये सब लेकर आई हूँ। तो वो शॉप है ये, और यहाँ पर मोस्टली सभी आइटम थे, कप्स थे, मग्स थे, प्लेट्स थी, सेट्स थे और टी सेट्स थे और प्लास्टिक के कुछ आइटम्स थे, और ये शॉप थी वो, और 150 रुपीज़ के जी यहाँ पर आप क्रॉकरी ले सकते हैं, और पीसीज के हिसाब से भी हम ले सकते हैं, बट मैंने केजी के हिसाब से नहीं लिया था, किलो के हिसाब से नहीं लिया था मैंने पीसीज के हिसाब से ही बाय किया था यहाँ से। और सेट्स आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बना सकते हैं, जैसे कोई भी आप एक पैटर्न चूज़ कर सकते हैं, एक कलर चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये बाउल्स हैं सेट्स की, तो वो प्लेट्स वगैरह वहाँ से लेके स्पून्स और बाउल यहाँ से सेट कर सकते हैं, खुद अरेंज कर सकते हैं पूरा सेट। ये देखें, इस तरह से मैंने पूरा सेट अरेंज किया है इस तरह से, और कुछ मैंने अलग से बाउल्स, ग्लास, स्पून ये भी लिए हैं, और ये मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ। और ये देखें, मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये क्रॉकरी का सेट, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट, और हाफ़ सेट मैं पिछली बार लेकर आई थी और हाफ सेट मैंने अब लिया है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। और ये 5 प्लेट्स थी जो मैं पिछली बार आपके साथ मैंने शेयर किया था वीडियो में, ये मैं लेकर आई थी, और अब की बार मैं ये स्क्वायर शेप में ये वाली प्लेट्स लेकर आई हूँ इसी पैटर्न की, तो ये भी बहुत प्यारी लग रही थी, जैसे सूखी सब्ज़ी वगैरह या राइस या फिर नाश्ते में हम इन प्लेट्स को इजीली यूज़ कर सकते हैं। और वो राउंड शेप में प्लेट्स हैं, जैसे कोई शोरबे वाली सब्ज़ी, सालन वगैरह, कोरमा वगैरह होता है, उस लिए मैं लाई थी। और ये देखें, दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, ये देखें, ये राउंड शेप में हैं और ये स्क्वायर शेप में हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। तो ये हो गया 2 प्लेट्स का सेट, मतलब 2 डिफरेंट टाइप्स की प्लेट्स हो गई हैं वो वाली। और ये राइस ट्रे मैंने ली है एक, जैसे कि हम राइस वगैरह, बिरयानी वगैरह कुछ हमने इस तरह की चीज़ बनाई है, तो हमें ज़्यादा डिशेस वगैरह नहीं निकालनी है, तो हम राइस प्लेट को यूज़ कर सकते हैं, राइस ट्रे को सॉरी। और ये मैंने 6 प्लेट ली हैं, 3 प्लेट्स मैं पिछली बार लेकर आई थी और 3 प्लेट्स मैंने अभी ख़रीदी हैं, तो ये 6 प्लेट हो गई हैं टोटल। और ये भी काफ़ी बड़ा इनका साइज़ है, हम चाहें तो इन्हें राइस प्लेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, राइस ट्रे की तरह। और बहुत ही ज़्यादा प्यारा इसका पैटर्न लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, और ये हो चुकी है मेरी 6 प्लेट्स, और ये 3 डिफरेंट टाइप्स की प्लेट्स हो गई हैं अब। और उसके बाद मैं ये मैंने ली थी डिश, जो कि कोई भी सालन को या फिर बिरयानी को, किसी भी चीज़ को आप डिश आउट कर सकते हैं इसमें, सीधा ही भगोने वगैरह से निकाल के। और ये काफ़ी प्यारा इनका लुक था, ये राउंड शेप में नहीं थी, ये भी स्क्वायर शेप में ही थी, और ये काफ़ी ज़्यादा रिच इनका लुक लग रहा था, और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, ये देखें, और साइज़ भी इनका काफ़ी अच्छा था, तो इसलिए मैंने ये 2 बाय की हैं। ये देखें, मैंने 2 पीसेज इनके लिए थे, और ज़्यादातर इस वाले सेट्स में मुझे स्क्वायर चीज़ें ही मिली हैं, राउंड शेप में सिर्फ मुझे एक प्लेट्स मिली थी वो कोरमे वाली, तो मैंने बाय कर ली थी, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी दोनों डिश। तो ये मेरी डिशेस भी हो गई हैं कंप्लीट, और मुझे चाहिए थी एक छोटू सी डिश जो मैंने ली है, अभी आपके साथ शेयर करूँगी, बट मैंने
कुछ बाउल्स भी ली हैं, और बाउल्स ज़्यादा यूज़ में नहीं आती हैं, मुझे नहीं लगता है ज़्यादा ये बाउल्स यूज़ में आती हैं, तो मैंने ये 4 बाउल्स ली हैं। किसी स्वीट डिश और डिज़र्ट के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और शेप एंड साइज़ इसका स्क्वायर था डिशेज़ की तरह, और काफ़ी अच्छी इन सभी की क्वालिटी थी। और ज़्यादातर चीज़ें मुझे स्क्वायर शेप में ही मिली हैं, सिर्फ एक ये वाली प्लेट्स ही हैं जो मुझे राउंड शेप में मिली थी, और वो भी ये प्लेट्स 5 थी, 6 प्लेट्स मुझे नहीं मिली थी, बट मैंने ये ले ली थी। ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी ये वाली प्लेट्स भी, और सारी चीज़ें मुझे स्क्वायर शेप में ही मिली हैं इसकी। और एक डिश मैंने अलग से ली है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी, छोटी सी। ऐसा होता है कभी हम बिरयानी बना रहे हैं और कोरमा बना रहे हैं और फिर हमें रायता भी बनाना होता है, तो एक रायते के लिए ये मैंने डिश ली है छोटी सी, और इसी के साथ मैच किया है मैंने ये स्पून। ये देखें, ये बिल्कुल सेम मैच हो रहा है इसमें, और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी ये डिश लग रही थी, क्यूट सी। ये देखें, और बहुत ही ज़्यादा क्यूट इसका डिज़ाइन लग रहा था। ये मैच नहीं कर रही थी इस डिनर सेट में, बट ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, तो मैंने इसे ले लिया। और ये मुझे ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ी थी, ये मुझे 60-70 रुपीज़ समथिंग पड़ी थी, तो मैंने इसे ले लिया। और ये स्पून्स मैंने मैच किए हैं, ये 2 स्पून्स मैंने डिश के लिए लिए हैं जो मैंने स्क्वायर वाली डिशेस ली थी इसमें मैच किए हैं। स्पून्स मुझे बिल्कुल मैच नहीं मिले हैं, बट थोड़ा बहुत जो मैच कर रहा था वो मैंने मैच किया है, और ये अच्छे लग रहे थे इसके साथ। और ये 2 स्पून्स मैंने ये राइस वाले लिए हैं, ये देखें इसकी शेप अलग है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे और बहुत ज़्यादा हैंडी थे और अच्छे लग रहे थे राइस ट्रे के लिए, और काफ़ी अच्छे थे, आप किसी भी चीज़ में इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक आधा एक्स्ट्रा ही ले लिया है इसमें, और ये 2 ये वाले मैंने लिए थे उसके साथ डिशेस के साथ, और 2 ये लिए थे मैंने जो दूसरे वाले पैटर्न के थे, और एक ये मैंने ब्राउन वाला लिया है जो कि राउंड शेप की डिश थी मेरी छोटू वाली, तो उसके साथ ये मैंने लिया था। तो टोटल मैंने 5 सर्विंग स्पून्स लिए थे, ये देखें, और ये इनफ थे, काफ़ी थे मुझे, और डिफरेंट मैंने शेप लिए थे और डिफरेंट कलर्स लिए थे, पैटर्न लिए थे मैंने इनके, और काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और एक ये मैंने छोटा सा ग्लास लिया है अपने बेटे के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा इसका प्यारा प्रिंट था, रोज़ का प्रिंट इस पर बना हुआ था और काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। और एक ये मैंने छोटू सी ट्रे ली है, और ये सॉल्ट और ब्लैक पेपर या चाट मसाला वगैरह आप इसमें रख सकते हैं, और ये भी मेरे डिनर सेट के साथ मैच कर गई है। और ये मैंने एक वुड की स्पैचुला ली थी जो कि मुझे काफ़ी ज़रूरत थी, काफ़ी दिन से, जब से मैंने नॉनस्टिक पैन्स लिए थे सारे, तो मैंने एक ये बाय की थी। और उसके बाद मैंने 3 ट्रेज ली हैं, ये देखें, और ये काफ़ी हैवी थी, ये लाइट वेट भी नहीं है ज़्यादा और हल्की बिल्कुल भी नहीं है, ये काफ़ी अच्छा इसका मटेरियल था। और ये देखें, काफ़ी प्यारा इनका डिज़ाइन था, जैसे कि हम इन्हें चाय के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कप्स वगैरह रखने के लिए, या फिर नाश्ते वगैरह के लिए डेली में भी हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने 2 प्लेट्स ली हैं, एक छोटी और एक बड़ी, और ये मैंने रेसिपीज़ के लिए ली हैं, जैसे मैं कोई रेसिपी वगैरह शेयर करती हूँ तो मुझे चॉपिंग वगैरह के लिए बड़ी और डिश आउट वगैरह के लिए अलग से प्लेट्स चाहिए होती हैं, तो मैं सेट्स की, डिनर सेट्स वगैरह की प्लेट्स ख़राब नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने ये अलग से प्लेट्स बाय की थी। और इनकी क्वालिटी, मटेरियल काफ़ी अच्छा था, और 700 समथिंग का मुझे ये टोटल मेरा डिनर सेट पड़ा है। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डिनर सेट कैसा लगा, और वीडियो मेरी कैसी लगी, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।